मामले में जरीडीह इलाके में बालाडीह ओपी क्षेत्र में रविवार देर रात भीषण आग लगी। इसमें दो दुकानों में रखा गया पूरा सामान जलकर राख हो गया। घटना में एक दुकानदार झुलस गया है, इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग को नियंत्रित करने के लिए जेसीबी और दमकल की गाड़ियों की मदद ली गई है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक सुमित वस्त्रालय नाम की कपड़े की दुकान में लगी। इसके बाद आग ने पास के ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़ा दुकान के मालिक दिलीप कुमार महतो का देर रात आग लगने की जानकारी मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर दुकान का एक गेट खोल दिया। इस दौरान पूरी दुकान में गैस और धुआं भर गया था। आग की लपटें चारों तरफ फैल गई थी। दुकानदार आग की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दुकान का दरवाजा खोलने के लिए जेसीबी को बुलाया गया। इसके बाद अग्निशमन विभाग की तरफ से 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। रात 1 बजे आग को काबू करने का अभियान शुरू किया। करीब 4 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका। इस दौरान दोनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया।